हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी जायका। आज बना रही हूँ मैं चिकन फ्राई। तो चलिए बताती हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी। किलो चिकन ली हुई मैं, इसको अच्छे से धो के इस तरीके से कटिंग कर लीजिए। ये देखिए पीसे, जैसा पीसे आपकी चॉइस से आप काट सकते हो। इस तरीके से मैं इतने बड़े बड़े पीस बना ली हूँ। तो और इसमें मसाले बता देती हूँ मैं। ये चिकन मसाला है, चिकन एवरेस्ट मसाला है, और आधा चम्मच ये एक चम्मच है, और ये आधा चम्मच धनिया पाउडर है, स्वाद अनुसार नमक, नींबू का जूस है, अदरक लहसुन का पेस्ट इससे दो चम्मच है, और सोया सॉस दो चम्मच, मैदा चार चम्मच है। इस चम्मच से चार चम्मच मैदा है, और चार चम्मच कॉर्नफ्लोर आटा है, और ब्लैक पेपर है, और पांच हरी मिर्च है बारीक काट लिया मैंने, और हरी धनिया उसको भी इस तरीके से बड़ी कटिंग कर लीजिए। तो चलिए अभी मिक्स करेंगे चिकन में मसाले। पहला मैं नींबू का जूस मिला देती हूँ, मिक्स करती हूँ सब। एक नींबू का है ये, और नमक स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। पहला थोड़ा कम डालना, फिर बाद में टेस्ट कर सकते हैं हम लोग। तो इसको पहला दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हो गया, और अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी इसमें डाल लेती हूँ मैं। गरम मसाला धनिया पाउडर है, सोया सॉस, हरी मिर्च, हरी धनिया, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सब। मिक्स कर ली हूँ इसके अंदर, तो अभी मैं आटा भी इसमें ही मिक्स कर लेती हूँ। एक कॉर्नफ्लोर आटा है, और ये मैदे का आटा, तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग। पानी नहीं डालना है, क्योंकि चिकन में पानी रहता है ना, तो वो छूट जाता है पानी, तो वो नहीं डालना है पानी ऊपर से हम लोग अलग से। कर चुकी हूँ मैं, अब अभी इसमें लगभग दो घंटा फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में रखना है, दो घंटा रखना है। अगर चार घंटा रखें तो और टेस्ट होएगा, तो मैं दो ही घंटा रखती हूँ, क्योंकि आपको भी बताना है फ्राई करके। तो इसमें निकाल लेती हूँ मैं, निकाल के कवर करके रख देंगे दो घंटे के लिए, तो बहुत टेस्ट होता है इसको रख के फ्राई करने के बाद में। चुके हैं तो मैं फ्रिज से निकाल चुके हैं अभी। चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। देखिए ये देखिए, तब इसको मैं फ्राई कर लूँ। यहाँ पर मैं ऑलरेडी तेल गर्म करने के लिए रख चुकी हूँ, तो अभी गर्म हो चुका है, तभी मैं इसमें चिकन डालती हूँ। लगभग इसको 5 से 6 मिनट तक एक ही साइड फ्राई करना है, इसके बाद में हम लोग पलटी करेंगे। तो अभी इसको छोड़ देती हूँ 5 से 6 मिनट तक। 6 मिनट तक मैं इसको एक साइड में फ्राई की हूँ, अभी पलटी कर लेती हूँ। अभी ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। पहले भी मैं फ्राई चिकन बता चुकी हूँ आपको, उसमें मैं लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ, इसमें हरा मिर्ची यूज़ की हूँ, और थोड़े से इसमें जो मसाले अलग से मिक्स करी हूँ, और जैसा इसमें बताया मैं आप वही इसका भी यूज़ कीजिए। बहुत अच्छे से बनती चिकन फ्राई है। वो रेड कलर के थे, ये रेड कलर नहीं है, थोड़ा सा हल्का ब्राउन कलर चिकन है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है अभी एक साइड में, और उसको और 5 मिनट फ्राई होने देंगे। और इस गैस को ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, ज़्यादा स्लो नहीं करना है, मीडियम आंच पे इसको फ्राई कीजिए। ज़्यादा फास्ट रहेंगे तो वो जो नीचे साइड का जल जाएगा और अंदर चिकन कच्चा ही रह जाएगा, इसलिए मीडियम आंच पे इसको फ्राई करना है। तो मैं निकाल लेती हूँ, इसमें टिश्यू पेपर डाली हूँ, तो अभी इस पर निकाल लेती हूँ मैं। ये देखिए एकदम मस्त अच्छे से फ्राई हो चुके हैं।
ये बाकी का तेल टिश्यू पेपर आप सब कर लेगा। ये देखिए कितने अच्छे फ्राई हो चुके हैं और बाकी का चिकन इसी तरह से मैं फ्राई कर लेती हूँ। ध्यान में रखें 5 से 6 मिनट एक साइड फ्राई करना है और बाकी का बाद में पलटी करके फिर एक साइड में फ्राई करना है। जब जाके अच्छे से फ्राई हो चुकेंगे और मीडियम आंच पे, मीडियम गैस स्लो करके, एकदम स्लो भी नहीं ज़्यादा फास्ट भी नहीं, मीडियम आंच पे इसको फ्राई करना है। तो चलिए बाकी के चिकन में फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई कर चुकी हूँ मैं। फ्राई करने के बाद में एकदम ऊपर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट बहुत अच्छा बनता है देखिए। तो अभी मैं इसके साथ प्लेटिंग करने के लिए पालक हल्के से फ्राई कर लेती हूँ, बताती हूँ आपको मैं। तो चलिए कर चुका वही तेल थोड़ा सा ले लेती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, हल्का थोड़ा सा बस हो गया। इसमें ज़्यादा तेल इसमें करी थोड़ी सी प्याज उसको अच्छे से ले कर लेंगे और उसमें मैं थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा बस इसमें मिक्स कर लेती हूँ। पत्तियों को मैंने काटा नहीं है, ऐसे ही इसको डालती हूँ और इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक पेपर, नमक डालूंगी बाद में, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि प्लेटिंग करने में थोड़ा सा अच्छे लगते हैं ना इसके लिए। तो ज़्यादा ये नहीं करना है, थोड़ा सा बस इसको पकाना है हल्के से। अभी मैं इसके ऊपर नमक डाल लेती हूँ। और उसके साथ में खाने को भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो बस अभी मैं ये निकाल लेती हूँ बस में। आपने चिकन फ्राई कैसे बनाना है, जब तक आप ये घर पे चिकन फ्राई नहीं बनाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसा ये टेस्टी, कितना अच्छा टेस्टी बनेंगे। तो आप घर पे जरूर ट्राई कीजिए और फ्राई करके खाने के बाद मुझे जरूर कमेंट में बताना कि ये टेस्ट कैसा लगा आपको चिकन फ्राई। तो देखते रहिए देसी ज़ाइका, लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। शुक्रिया।